सो हेलो गाइज, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक आर यूट्यूब चैनल के अंदर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को भीमेट ऐप का एक कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप सभी लोगों को फ्री में 15-15 रुपये करके मिलेगा और उसका कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड टाइम से इसको ले सकते हो। वीडियो को पूरे एंड तक वॉच करना और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करना ताकि आपको पता चले कि कैसे ये करना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस ट्रिक के रिलेटेड कुछ भी अपडेट आया तो मैं टेलीग्राम पे ही बताऊंगा। तो टेलीग्राम का जो चैनल है जरूर से जो ज्वाइन करना, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, जरूर जाके ज्वाइन कर लेना। तो इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले भीमेट ऐप का एक ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना है और अपना अकाउंट लॉगिन करना है। उसके साथ साथ पैरेलल स्पेस लाइट जो ऐप है इसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इस पैरेलल स्पेस लाइट को ओपन कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक फेक फेसबुक अकाउंट की। तो फेक फेसबुक आईडी कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे templ.com पे एक वेबसाइट पे है, यहाँ पे टेम्पोररी ईमेल एड्रेस मिलता है। इस पे जाके आपको क्या करना है, आपको क्रोम की जो इनकॉग्निटो टैब होता है उधर जाके सबसे पहले फेसबुक सर्च करना है, facebook.com। तो facebook.com सर्च करने के बाद इस इनकॉग्निटो टैब में आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को नाम डालना है सही से, एंड बिल्कुल सही से डालना है। तो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह चूज़ करना है जो कि आप नॉर्मल मैनुअल होता है। उसके बाद साइन अप यूजिंग ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वो जो ईमेल एड्रेस आपने अभी कॉपी किया उसको इधर पेस्ट करके यहाँ पे आपको अपना जेंडर चूज़ करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। एक और बात गाइस, अगर आपको ऐसा एरर दिखे ना तो आपको क्या करना है, फिर से इधर जाना और यहाँ पे इसमें ईमेल आईडी जो आपको मिला है इसको डिलीट करके एक नया ईमेल आईडी ले लेना है और इसको कॉपी कर लेना है। पूरा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर से आपको इधर आना है और इस वाले जीमेल आईडी को हटा के ये वाला जो जीमेल आईडी मैंने आप लोगों को दिया नया वाला इसको ट्राई करना है। तो ऐसे आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स न्यू न्यू जीमेल आईडी मिलता रहेगा। तो लगभग 4-5 ईमेल आईडी ट्राई करने के बाद देखो मेरे अकाउंट के अंदर एक कोड आएगा। तो कोड यहाँ पे आपको दूसरे वाले ईमेल आईडी पे चला जाना है, दूसरे वाले टैब के अंदर इनकॉग्निटो टैब के बाहर, और यहाँ पे जो कोड है 296603 है। तो चलो मैं 296603 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं 296603 डालने के बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना, और क्लिक करने के साथ साथ आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। अब आपको जस्ट यहाँ पे नॉट नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको नॉट नाउ वाला बटन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आपको नॉट नाउ करके उसके बाद नेक्स्ट 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 करते जाना है। तो देखो मेरा एक फेक फेसबुक आईडी क्रिएट हो गया और ये हो गया अपना यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड जो भी आप दिए थे। अभी क्या करना है, आपको जो ओल्ड वर्जन आपने इंस्टॉल करके रखा है उस ओल्ड वर्जन को तो रखो, उसके अंदर एक वीडियो वगैरह अपलोड करके रखो पहले से ही। उस काम मैं करके रखा हूँ तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं। अब ऐड ऐप में आओ पैरेलल स्पेस लाइट के अंदर। तो ऐड ऐप में आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है भीमेट ऐप को ऐड करना है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप ध्यान से देखो इसको। भीमेट ऐप को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ऐड टू पैरेलल स्पेस करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ ओल्ड वर्जन के अंदर ही ये चीज़ काम करता है, आप इसको ध्यान से सुन लो। ओल्ड वर्जन के अंदर ही ये ट्रिक जो है काम करेगा, दूसरा कोई वर्जन के अंदर ये ट्रिक काम नहीं करेगा। क्योंकि ओल्ड वर्जन के अंदर ही अभी भीमेट ने वो सिस्टम रखा है जिससे आप लोगों को साइन अप वाला कॉइन मिलता है। न्यू वर्जन में आपको कोई भी साइन अप का कॉइन नहीं मिलता है। ओके, तो स्टार्टिंग भीमेट यहाँ पर आ गया। आप भीमेट जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो आपको विंडो आएगा उस विंडो को आप किसी भी हाल में क्लोज मत करना। ध्यान से सुनो, आपको जो विंडो आएगा उस विंडो को आपको किसी भी हाल में क्लोज नहीं करना है। ओके, तो ओपन करने के साथ साथ आपके पास एक पेज आ जाएगा कुछ ऐसा। तो गाइज़ ये जो विंडो आएगा इसको किसी भी हाल में क्लोज मत होने देना। उसके बाद आपको लॉगिन विद फेसबुक के ऊपर क्लिक करना है। कभी कभार ये गलती हो जाता है तो आप जो ऐप है इसका डेटा को क्लियर कर देना पैरेलल स्पेस का। अभी वो जो टेम्पोररी ईमेल एड्रेस में मैंने अभी अभी एक अकाउंट को क्रिएट किया है उस वाले ईमेल एड्रेस को मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, एंड आप खुद ही देख सकते हो उसी ईमेल एड्रेस को डाल रहा हूँ। वरना आप बोलोगे कि भाई आप फेक बता रहे हो, बट ऐसा है नहीं। मैं आप लोग के सामने जो भी करूँगा लाइव करके दिखाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर DESOZ होगा, उसके बाद .com होगा। अब पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो चलो पासवर्ड भी मैंने डाल दिया। अब लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे आप जो है लॉगिन हो जाओगे। तो गाइस जैसे आप लॉगिन हो जाते हो आपको यहाँ पे 20 कॉइन्स मिल जाएंगे। 20 भी कॉइन देखो आपको मिल चुका है। अब ये जो कॉइन आपको मिला है इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले ऐप को हाइड करना है। हाइड करके आपके मेन ऐप के अंदर चला जाना है। आपका जो मेन ऐप होगा उसके अंदर जाके आपको वीडियो बडी वाला जो आईडी इसको कॉपी करना है। आईडी कॉपी करने के लिए यहाँ पे आपको आईडी मिल जाएगा, ऊपर में शो हो रहा होगा, इस वाला आईडी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद भीमेट ऐप के अंदर आना है आपके पैरेलल स्पेस वाले पे। उसके बाद आपको ओके करके यहाँ पर सर्च बार पर जाना है और सर्च बार के अंदर जाके सर्च करना है आपका आईडी। जैसे मैंने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले तो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे वीवी में जाना है और यहाँ पे राखी का जो 20 वाला है इसको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, सबको हटा दो। अब फिर से आपको वीमेट ऐप को ओपन करना है आपका मेन वाला। मेन वाले पर आपको गिफ्ट मिल गया होगा। आप देख सकते हो मेरे पास कितना है, मेरे पास 210 डायमंड है।
ओके, अभी भी मुझे 100 डायमंड रिसीव हुआ है, तो मैं डायमंड्स में चलता हूँ, तो मेरा बैलेंस कितना है? 10 रुपये। रिडीम करने के लिए आपके पास मिनिमम 15 रुपये होना ज़रूरी है। अब सेकंड टाइम इस चीज़ को आप जैसे फॉलो करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़, बट आपको सेटिंग पे चलना है। आपको सबसे पहले तो आपके फ़ोन की सेटिंग के अंदर चला जाना है, तो मेरे फ़ोन के अंदर जो सेटिंग है मैं उसके अंदर चलता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को ऐप्स के अंदर जाना है, आपके पास जो ऐप्स एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, उसके बाद आपको पैरा स्पेस लाइट का डेटा सबसे पहले पूरा क्लियर कर देना है, क्लियर स्टोरेज, क्लियर डेटा, इन दोनों को करने के बाद आपको इन पे और एक ऐप मिलेगा इनका, जो कि होगा पैरा स्पेस लाइट 64 बिट, जो कि आपको भी डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा हाई फाई स्पेसिफिकेशन वाला हो तो। 64 बिट वाला जो भी है उसका भी आपको डेटा को क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आपको फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर देना है एक बार के लिए। कर दिया, करने के साथ साथ अब फिर से आपको पैरेलल स्पेस ऐप को ओपन करना है। सेम प्रोसेस, सेम चीज़ें फिर से आप लोगों को अभी करना है, और इस बार आपको फिर से एक नया फेसबुक आईडी क्रिएट करना है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप फेसबुक आईडी 10 या 12 क्रिएट कर लो, जिससे आप लोगों को कुछ दिक्कतें ना हो, क्योंकि फेसबुक आईडी ज़रूरत है आप लोग सभी लोगों के लिए यहाँ पे। तो जितना आप हो सके फेसबुक आईडी क्रिएट कर लो, उसका पासवर्ड याद रखो, उससे क्या होगा आपका इजी होगा काम होने में। तो अभी मेरे को दूसरे फ़ोन के अंदर फेसबुक आईडी क्रिएट करना पड़ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि आप ये इजीली नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ही इजीली ये करने को मिल जाएगा। एंड ये जो ट्रिक है कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, कभी भी एक्सपायर हो सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो जब तक है भाई आप इसको लूटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। एंड इसको यूज़ करके आप अनलिमिटेड पेटीएम कैश कमा सकते हो, जितना आपको चाहिए उतना ही आप कमा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भीमेट को मैंने फिर से ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से जो है एक फेसबुक आईडी से लॉगिन करूँगा। तो यार मेरा वाला आईडी रेडी हो चुका है, मैंने ओपन कर लिया नया वाला आईडी। अब यहाँ पे फिर से मैं जो है ऐसा ही करूँगा, अब फिर से मेरे पास एक जो है पॉपअप विंडो आ जाएगा। पॉपअप विंडो आने तक आपको वेट करना है, एक पॉपअप विंडो आएगा कि आपको 20 बिटकॉइन मिलेगा, तो आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करके फिर से जो है फेसबुक के ऊपर क्लिक करना है। अगर बाई चांस वो विंडो आप क्लोज़ कर दे तो, या फिर कहीं और जगह पर टच हो जाता है तो विंडो क्लोज़ हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, फिर से पैरेलल स्पेस का डेटा को क्लियर करना है, और फिर से आपको भीमेट ऐप को पैरेलल स्पेस में ऐड करके आपको सेम काम करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद DESOZ.com आपको ऐसे डालना है, ईमेल आईडी या पासवर्ड भी फिल कर दो। तो देखो मैंने डाल दिया, अब ये जो राजू वाला आईडी है मेरा लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन होने के साथ साथ मुझे फिर से जो है 20 वी कॉइन मिल जाएगा। अब वहाँ पर से मैंने जो है अपना आईडी तो कॉपी करके ही रखा था, तो आपको क्या करना है, इसमें से बैक चला जाना है। बैक चला जाने के बाद आपको सर्च बार पर चला जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार पर जाके सर्च कर लेना है वाला आईडी। तो मेरा ऑलरेडी कॉपीड है, क्योंकि मैं एक ही फ़ोन में नहीं कर रहा हूँ, मैं दो फ़ोन में कर रहा हूँ, ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों को मैं करके दिखा पाऊँ। तो फिर से यहाँ पे आ चुका हूँ, अब फिर से जाऊँगा वीवी में, और यहाँ पे से राखी वाला ये जो है गिफ्ट कर दूँगा। तो अपना काम हो गया कंप्लीट, अब सारी चीज़ों को हटा के फिर से वीमेट ऐप को मैं ओपन कर लूँगा। वीमेट ऐप को ओपन करने के बाद देखो मेरे पास फिर से जो है डायमंड आ चुका है, 300 डायमंड्स हो चुका है। अब यहाँ पे अमाउंट हो गया 15 रुपये। अब यहाँ पे मेन ट्रिक स्टार्ट होता है, आप 15 रुपये से ज़्यादा का रिडीम मत करना, 15 रुपये ही रिडीम करना, 15 से ज़्यादा का मत करना। तो अभी मैं 15 रुपये एंड 50 पैसे जो भी है वो मैं रिडीम कर लेता हूँ। तो विड्रॉ वाले बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे बताया कि ये जो पैसा है आपको जो है विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आप अगर 15 रुपये का रिडीम लगाओगे आपको ये पैसा विद इन 15 मिनट्स के अंदर अपने पेटीएम वॉलेट के अंदर मिल जाएगा। तो अभी आप टाइम देख लो, 7:12 हो रहा है, अभी मैं वेट करता हूँ कि कब तक मुझे ये पैसा मेरे पेटीएम वॉलेट के अंदर रिसीव होता है। तो तब तक मैं आप लोगों को पेटीएम का बैलेंस भी चेक करवा देता हूँ, मेरा कितना पेटीएम का बैलेंस है, एंड आप खुद ही देख लो यहाँ पे मेरा बैलेंस कितना है एंड कितना क्या है नहीं है। तो आप देख लो मेरे पास अभी बैलेंस है 59 रुपीज़। ओके, देखो लास्ट कोई भी पेमेंट मुझे रिसीव नहीं हुआ, एक 59 रुपीज़ ही रिसीव हुआ है। तो चलो आप वेट करके देखते कब तक हमें पेमेंट जो है यहाँ पे मिल जाता है। और गाइस जस्ट 5 मिनट ही हुआ है और मुझे मेरा पेमेंट 15 रुपये एंड 50 पैसे रिसीव हो चुका है। अब दिक्कत यही है कि आप देख सकते हो पेमेंट तो मुझे मिल गया, बट दिन में शायद तक एक ही बार इस ऐप के अंदर रिडीम लगता है, यही एक दिक्कत होगा इस ऐप के अंदर। बाकी तो मुझे पता नहीं है कि कितना बार इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर एक ही बार रिडीम होता है वंस पर डे, और मुझे नहीं पता बाकी का क्या होगा इसके अंदर, बट फिलहाल के लिए ट्रिक जो है काम कर रहा है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक करके जाना, शेयर भी कर देना।